जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के इस वर्ष की यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद अब जिलाधिकारी के निर्देशन में यात्रा मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की मंशा है कि पर्यावरण को होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम किया जा सके, साथ ही केदारनाथ में बर्फबारी होने से पहले सभी वेस्ट मटेरियल की सफाई कर दी गई है, जिससे अनावश्यक गंदगी इधर उधर ना फैले एवं अगले वर्ष यात्रा मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था पहले से दुरुस्त रहे। इसी बीच पर्यावरण पर्यवेक्षक केदारनाथ हिमांशु नेगी ने बताया कि नगर पंचायत केदारनाथ के करीब 60 पर्यावरण मित्रों द्वारा धाम में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया है। विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केदारपुरी एवं यात्रा मार्ग से लगभग 150 किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया गया, जबकि 17.5 टन जैविक कूड़ा एकत्रित किया गया। साथ ही 8.6 टन प्लास्टिक कूड़ा भी जमकर सोनप्रयाग स्थित कॉम्पैक्टर में भेजा गया है, जहां से इसे कॉम्पैक्ट कर उचित निस्तारण के लिए भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होने के बाद नगर पंचायत केदारनाथ के पर्यावरण मित्रों तथा सुलभ इंटरनेशनल के पर्यावरण मित्रों द्वारा एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान के दौरान लगभग 150 केजी प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित किया गया, जिससे कि निस्तारण किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इस यात्रा सीजन के दौरान नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा लगभग 17.5 टन जैविक कूड़ा एकत्रित किया गया, इससे कि निस्तारित किया जा चुका है, तथा नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा लगभग 8.6 टन प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित किया गया, इसे कि रिसाइकल सेंटर सोनप्रयाग दिया जा चुका है।